वायरल बुखार से भरा डीएमसीएच का शिशु रोग विभाग, बेड के अभाव में एक बेड पर दो बच्चों का चल रहा इलाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थाओं ने भारत में सितंबर और अक्टूबर में तीसरी लहर आने की चेतावनी दे रखी है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर बिहार में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सलाह भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर बनी हुई है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में वायरल रोग से भर्ती बच्चों की बात करें तो 111 बच्चे शिशु वार्ड के आईसीयू, निकू वार्ड, पीकू वार्ड व जनरल वार्ड फुल हो चुके हैं। आलम यह है कि आईसीयू और जनरल वार्ड के एक बेड पर दो दो बच्चों को रखा जा रहा है। वही मरीज के परिजन का कहना है कि अस्पताल में इलाज की व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ अस्पतालों में बेड की संख्या काफी कम है। एक बेड पर दो दो तीन तीन बच्चे भर्ती किए गए हैं। एक बेड पर दो से तीन बच्चे रहने के कारण डर लग रहा है कि बच्चों को कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए अस्पताल प्रशासन को और बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं शिशु रोग विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सपा करो ने कहा कि अस्पताल में बेड पूरी तरह से फुल है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वायरल फीवर और फ्लू की वजह से बच्चे बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल में बेड की कमी है। ऐसे में बच्चों का इलाज करने में परेशानी हो रही है। हालांकि हम लोग अपनी तरफ से बेहतर इलाज के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल है सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है। तो मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं, तो हमें मतलब कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं, पूरे भरे हुए हैं बेड। किस तरह की बीमारियाँ ज्यादा आपके सामने आ रही हैं? अभी तो फ्लू जो है चला हुआ है बिहार में, फ्लू वायरल फीवर, तो ज्यादा उसके ही मरीज आते हैं। और बाकी जो न्यूनेटल केस हैं, न्यूनेटल प्रॉब्लम्स है, वो रहते हैं हमारे यहाँ। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और बेनिकॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।